हेलो फ्रेंड्स, ओप्पो एफ सेवन ये कैसे रूट होना है इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपको स्टॉक रोम फाइल को डाउनलोड करके अपने पीसी पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने ओप्पो एफ सेवन को पीसी से कनेक्ट करना होगा यूएसबी केबल से। एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी boot.img नाम से। इस फाइल को कॉपी कर लीजिए और फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज पर पेस्ट कर दीजिए। मैजिक्स मैनेजर को इंस्टॉल करके ओपन करिए और इंस्टॉल का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप कर दीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा पैच बूट इमेज फाइल, इस पर आपको टैप करना है और आपने फ़ोन पे जहाँ बूट इमेज फाइल को पेस्ट करा था यानी सेव करा था वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी जो है फ्लैशिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जब फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फ़ोन पे एक फाइल मिलेगी patch_boot.img नाम से। इस फाइल को कॉपी कर लेना है और पीसी के एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में पेस्ट कर देना है। फिर आपको पीसी पे ADB फास्ट बूट को इंस्टॉल करना है और इसमें आपको पैच बूट इमेज फाइल को ट्रांसफ़र कर देना है। ADB फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होता है प्लेटफॉर्म टूल्स, उसके अंदर जाना है और आपको इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट विंडो खोलनी है जो स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं। कमांड प्रॉम्प्ट विंडो कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पर आपको जो येलो कलर का कमांड दिख रहा है वो टाइप करना है। अब आप चाहें तो ए और बी पार्टीशन भी यूज़ कर सकते हैं, कमांड दोनों आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो patch_boot_image फाइल थी उसको आपको रिप्लेस कर देना है बूट इमेज फाइल से जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के अंदर मिलेगी। जैसे ही आप इसको रिप्लेस करेंगे आपकी फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जब ये कंप्लीट हो जाए तो सिंपल अपने फ़ोन को रिबूट कर लीजिए और आपको इस तरीके से ग्रीन टिक दिख जाएंगे कि आपका फ़ोन रूट हो गया है। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ।